Hello everyone, today we are going to discuss some more exciting points regarding subject verb agreement. In our last two videos we are discussing the same. Today we will finish it with some more points that are really very useful for the competitive point of view. So let's start. Point number one, कुछ एक नाउन ऐसी होती हैं जो प्लूरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है, प्लूरल फॉर्म दिखते हैं कि वो प्लूरल में है, लेकिन जब वो रिप्रेजेंट करती है तो किसी अमाउंट को, किसी फ्रैक्शन को या किसी एलिमेंट ऑफ टाइम को डिनोट करती है, तो उस केस में वो प्लूरल होके भी सिंगुलर में यूज की जाती है। एग्जाम्पल देखिए, हम कहते हैं कि 40 माइल्स, माइल्स हमने यूज किया है, प्लूरल दिखाई दे रहा है। Is not a big distance. Now, तो हमने इसको सिंगलर में यूज किया क्योंकि 40 माइल्स एक डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस को शो कर रहा है। हम कहें कि 3 पॉइंट्स फॉल्स, 3/4 की हम बात कर रहे हैं, ऑफ द लैंड इज बैरन। हमने 3/4 यूज किया था, लेकिन 3/4 एक फ्रैक्शन को शो करता है और हमने बताया था कि फ्रैक्शन लेस देन 1, एक से कम होता है, तो उसके लिए हम सिमिलर का यूज करते हैं। इज बैरन, तो हमने यहां पे इज का यूज किया है। हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 50 मिनट्स इज, मिनट्स यूज किया लेकिन इज एनफ टू फिनिश द टास्क। 50 मिनट्स is enough to finish the task. तो ये सभी क्या प्लूरल सिमी है, प्लूरल दिखते हैं लेकिन हेल्पिंग वर्ब जब हमने की तो सिंगुलर यूज की, इसका मतलब हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करते हैं किनको, डिस्टेंस, फ्रैक्शन, और हम जब ड्यूरेशन की बात करते हैं उस केस में, राइट। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, जो आपको लगेगा प्लूरल हो सकते हैं, बट एक्चुअली दीज आर नॉट प्लूरल एट ऑल। नाउ डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज रिगार्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन। बात ये है कि अगर आपका क्लोज रिलेटिव प्रोनाउन है, हु से स्टार्ट होता है, कौन सा वर्ड है आपका क्लोज है, वो से स्टार्ट होता है, क्लोज कौन सा है, रिलेटिव क्लोज, हु से बिगिन होता है आपका रिलेटिव क्लोज, तो उस केस में काफी कंफ्यूजन होती है, आप ये डिटरमिन नहीं कर पाते कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। और ये आपको पता होना चाहिए कि कब हु सिंगुलर होता है और कब हु प्लूरल में यूज किया जाता है। लेट्स सी, I is your friend। तो हमने क्या किया है कि इस रिलेटिव नाउन को मेन सेंटेंस से अलग कर दिया है बाय पुटिंग कॉमा ऑन बोथ द साइड्स। तो दोनों का कॉमा लगा के हमने इसको अलग कर दिया है। विल guard your interests। इस तरह से हम इसको यूज कर रहे हैं कि जो आई है, तो इस केस में हम देख रहे हैं कि जो हु है काफी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने वाला है, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट के रूप में हमने आई यूज किया है और आप हु को सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं,
हमने ऑलरेडी यहाँ पे इसका यूज कर दिया है, तो क्या ये सही है या फिर हम कहेंगे आप या फिर सबसे अलग एम। तो काफी कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे सामने दिखाई देंगे। प्लस कम टू द रूल, तो रूल के बारे में बात करते हैं। रूल आपको पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। ध्यान से आप देखेंगे एक बार कि रूल क्या है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन हु से स्टार्ट हो रहा है उस केस में आपको जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पुट अप करनी है वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो रूल बिल्कुल सिंपल है कि हम जो फर्स्ट जो सब्जेक्ट दे रखा है, जो एंटीसीडेंट है, उससे पहले जो वर्ड यूज किया गया है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज करेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल यूज करेंगे, और आई यूज कर रखा है आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग यूज करेंगे हम लोग। देखिए हमने इसको रिलीज कर दिया और फिर से यहां पे हम ब्लैंक शो कर रहे हैं। तो हु सिंगुलर है प्लूरल होता नहीं है, वो डिपेंड करता है एंटीसीडेंट पे, जो वर्ड पहले यूज किया गया, जो सब्जेक्ट पहले यूज किया गया है उस पर। तो सब्जेक्ट आई है, इसलिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एम का यूज किया जाएगा। थोड़ा अजीब लग रहा है हु एम, लेकिन आई के अकॉर्डिंग हमने इसको यूज किया है क्योंकि एंटीसीडेंट आई है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, ही। My patron should spot me. तो इस केस में देखिए who से पहले हमने he यूज किया है और हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी वो भी he के अकॉर्डिंग ही हमें चाहिए। That is, ही के अकॉर्डिंग हमने इसको यूज कर दिया है। टेक वन मोर सेंटेंस, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हम पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द आर्टिस्ट, ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स सुना लेते हैं। हम यूज कर इसमें शी is one of the artist, और फिर हम इसमें रिलेटिव प्रोनाउन शुरू करते हैं ब्लैंक डेस्टाइंड टू बी इमॉर्टल। यहां पे क्या हम आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग यूज करें? श्योरली, क्योंकि रूल यही है उससे पहले जो वर्ड यूज किया गया, सब्जेक्ट यूज किया गया है उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब यूज करेंगे, तो आपका सेंटेंस एग्रीमेंट में होगा, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट बनता है। तो आप एक रिलेटिव प्रोनाउन है, आर्टिस्ट यूज किया है और हम आर यूज करेंगे। अगर वो नहीं होता तो हम इसको शी के अकॉर्डिंग इसमें यूज कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वन ऑफ द आर्टिस्ट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हु आ गया तो एलिमेंट ऑफ डाउट यहाँ पे आ गया हमारे पास में, और उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान देंगे कि जो वर्ड पहले यूज किया गया उसमें तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग। वन मोर पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो पॉइंट ये है कि कुछ एक आर्टिकल्स होते हैं, कुछ एक थिंग्स होती हैं जिनके एंड में एस लगा करके छोड़ा जाता है और वो प्लूरल को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट सिंगल है तो उस केस में भी हमें अजीब लगता है कि सिंगल ऑब्जेक्ट है प्लूरल, हम उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। कौन कौन से वर्ड्स है देखिए ध्यान से, जरा हम वर्ड्स यूज करते हैं, आप देखोगे सीजर्स कैंची होता है सभी जानते हैं लोग, हम वर्ड यूज करते हैं स्पेक्टेकल्स चश्मे होते हैं, हमने वर्ड यूज किया ट्राउजर्स, हमने वर्ड यूज किया शॉर्ट्स, तो इस तरह के वर्ड देखिए सभी एस के साथ एंड हो रहे हैं और ये प्लूरल, ये सभी प्लूरल हैं, जबकि आर्टिकल कैंची हो चाहे चश्मा हो या फिर
ट्राउजर पजामा हो या फिर शॉर्ट्स निकर हो, ये सभी सिंगुलर होते हैं। अब रीजन ये है क्योंकि इन एक ऑब्जेक्ट के टू पार्ट्स हैं सभी के, चाहे आप देखें सीजर्स को, आप देखें स्पेक्टेकल्स को, आप देखें शॉर्ट्स को, आप देखें ट्राउजर्स को, तो उसी कारण से उसको क्या कहते हैं, प्लूरल में यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं ये, माय सीजर्स is on the table, अगर हम is use करते हैं तो ये use आपका गलत हो जाएगा, जब लगी जब लगता सही है is on the table, right to use है वो क्या होगा, आप उसमें ध्यान से आर का यूज करें, इसको अवॉइड करें, ठीक लगेगा आपको इज, लेकिन आप इसमें आर का यूज करें। हम कहें कि हिज ट्राउजर्स आर वेरी कॉस्टली, इस तरह से हम स्पेक्टेकल्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम शॉर्ट का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ध्यान है कि हमें प्लूरल में यूज करना है, इनके आप कुछ और भी नाम हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एस के साथ एंड नहीं होती, वो सिंगुलर लगती है, सिंगुलर लगती है लेकिन प्लूरल में यूज होते हैं। आपने पुलिस वाला एग्जाम्पल देखा होगा, हम पुलिस का यूज करते थे यहाँ पे, तो पुलिस में हमेशा प्लूरल होता है। हम यूज करें मीडिया, मीडिया भी एज ए प्लूरल यूज किया जाता है। जब कुछ एक ऐसे हैं जो आपको ऐसे साथ फिनिश करेंगे, हम एक बार और देखेंगे, हम यहां बात करें न्यूज की, न्यूज ऐसे साथ फिनिश होता है लेकिन सिंगुलर भी यूज किया जाता है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ पुलिस, पुलिस कितना होते हैं, पुलिस आर अरेस्टिंग द थीफ, आप अरेस्ट कुछ अजीब लग रहा है, आप यूज टू है इस तरह के हैव, तो आर लगाएं या हैव लगाएं, दोनों ही प्लूरल को डिनोट करें और फिर हम अरेस्टेड परफेक्ट टेंस में लेते हैं उसको, आप यहां जो कर लीजिए कोई बात, हैव अरेस्टेड द थीफ, उस केस में दोनों ही प्लूरल यूज हुए मीडिया की। अब हम बात करें कि न्यूज, हम बात करें न्यूज, न्यूज की तो ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि ऐसे सारे होते हैं प्लूरल दिखाई देते हैं, यूज सिंगल में है। देखिए एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, नो न्यूज is good news, कॉमन फॉल्सी होती है हमारी इंग्लिश में, नो न्यूज इज गुड न्यूज, यानी कि आपको किसी के बारे में कोई न्यूज नहीं मिल रही है, इसका मतलब एवरीथिंग इज फाइन विद हिम और हर, कोई बुरा उसके साथ में नहीं हुआ है, तो नो न्यूज इज गुड न्यूज, तो हम यहां पे इज यूज कर दिया। तो कुछ एक इस तरह की चीजें जो आपको जरूर पजल करती है और एलिमेंट ऑफ डाउट आपके माइंड में आता है और वहां पे मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। हम कहेंगे मीडिया, मीडिया के एग्जाम्पल लीजिए आप, मीडिया हैव स्पोकन अगेंस्ट मिस्टर राज, तो बिना उसको मैटर नहीं है, यहां पे मीडिया हैव, सॉरी मीडिया हैव रेज अ फिंगर
गवर्नमेंट। इस तरह के हम सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। मीडिया है आपका, पुलिस है, ब्यूरो यूज होते हैं, न्यूज है, सिग्नल यूज, तो काफी कंफ्यूजिंग सा ये एलिमेंट रहता है। वी विल आल्सो डिस्कस सम मोर पॉइंट्स, टिल देन यू कैन टेक द बेटर व्यू ऑफ द पेज। अब हम बात करते हैं ए नंबर ऑफ और देन नंबर ऑफ, तो लिटिल डिफरेंस कैन मेक बिग चेंजेस। सी हियर, द नंबर ऑफ और सेकेंड में हम यूज करें ए नंबर ऑफ, दोनों सेम से लगते हैं आपको, लेकिन एक में हमने द यूज किया है डेफिनेट आर्टिकल और एक में इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया है। तो द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ में डिफरेंस होता है, दोनों ही प्लूरल फॉर्म को फॉलो करते हैं। इसमें से द नंबर ऑफ बॉयज इन हिज क्लास इज 10। यहां मेन फोकस हमारा रहेगा इस पे, तो द नंबर ऑफ बॉयज है वो क्या है, सिंगुलर में यूज किया जाता है, और ए नंबर ऑफ हम सेम को ए नंबर ऑफ बॉयज आर अटेंडिंग हिज क्लास। तो यहां पे ए नंबर ऑफ बॉयज यूज किया हमने, उसको हम प्लूरल से ट्रीट कर रहे हैं, तो ए नंबर ऑफ बॉयज प्लूरल को फॉलो करते हैं और जो ए द नंबर ऑफ है वो सिग्नल को शो करता है। ये कॉमन मिस्टेक अक्सर हो जाती है हमसे, दोनों ही प्लूरल लगते हैं, हम दोनों को प्लूरल में ही ले सकते थे, लेकिन रूल जो है वो डिफरेंट है, द नंबर ऑफ सिंगुलर से और ए नंबर ऑफ प्लूरल से दिखाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम्स जो एडजेक्टिव्स होते हैं सभी कुछ एक एडजेक्टिव, जैसे कि हम यूज करते हैं मच, लेस, मोर, लिटिल, ये सभी एडजेक्टिव्स हैं। अगर हमें एडजेक्टिव्स को एज ए नाउन यूज करें, एज ए नाउन अगर हम इनको नाउन के फॉर्म में यूज करें इन एडजेक्टिव्स को, उस केस में हम इन्हें किस तरह ट्रीट करेंगे देखिए। हम एक ही हम रूल फॉलो करते हैं इन फॉर्म ऑफ नाउन, नाउन के फॉर्म में भी यूज करते हैं। हम एक ही मोर देन अ मिलियन ऑफ रुपीज, मोर देन अ मिलियन ऑफ रुपीज इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए नेशन। तो एक देश को आप कंस्ट्रक्ट करना है, दोबारा बनाना है या रीबिल्ड करना है, तो आपको उसमें इतना अमाउंट लगेगा, वो मैटर नहीं है। हमारा मैटर क्या है, सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल तक ही है। सी मोर देन ए मिलियन ऑफ रुपीज इज रिक्वायर्ड, हम कहेंगे लेस देन 50% is not a great strength, हम कहेंगे
a little of good habits जरूरी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करें, हम वर्ब भी यूज कर सकते हैं, तो वर्ब भी सिंगुलर में यूज होगी. ए लिटिल ऑफ गुड हैबिट मेक्स आवर लाइफ हैप्पी. तो दीज आर सम एक्साइटिंग फैक्ट्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल डिस्कस सम मोर एक्साइटिंग पॉइंट्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप एंजॉइंग, कीप वॉचिंग द वीडियो. Thank you.